लाइफ उसमें आप आप इस लाइव को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको सुखों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, सुखों की सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय, सुखू भाई सुखू भाई दस गरंटियां की जय भाई, सुखू भाई सुखू भाई दस गरंटियां, महिला विरोधी सरकार महिला मोदी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, महिला
धक्का दो हरिद्वार को।
इस सरकार को बने हुए एक साल हुआ है और ये सरकार ऐसे खुले खुले हो जाना, पीछे थोड़ी सी जगह दे, रोड ब्लॉक होने दो। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई हंसराज जी, हमारे पटियाल से प्रत्याशी भाई विक्रम जरियाल जी, बरमोर के विधायक जैनक जी, डलौजी के विधायक डीएस ठाकुर जी और यहाँ पर उपस्थित जिला के आए हुए सभी कार्यकर्ता बंधुओं, अब सभी का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आज की आक्रोश रैली में हमने एक बड़े शॉर्ट नोटिस पे आपको आग्रह किया और आप लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा डलौजी बरमोर के विधायक डॉक्टर जनक जी से कि वो मंच पे आए और इस आक्रोश रैली में हमारे कार्यकर्ताओं को संबोधन करें। बड़े भाई त्रिलोक कपूर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई हंसराज जी और पूर्व में रहे भटियात क्षेत्र के विधायक भाई विक्रम जरियाल जी, डलौजी क्षेत्र के विधायक श्री डीएस ठाकुर जी, चंबा के जिलाध्यक्ष भाई धीरज जरियाल जी और आप सब लोग आत्मीय कार्यकर्ता मित्रों, आज कांग्रेस पार्टी प्रदेश में अपनी नाकामियों का जश्न मनाने की कोशिश कर रही है और प्रदेश सरकार जो प्रयोजन इन्होंने आज किया, प्रदेश की जनता ने धर्मशाला में होने वाली इनकी रैली को नकार कर अभी भी समय की जो परिस्थितियां हैं, पूरा ग्राउंड खाली है, स्कूली बच्चों को स्कूली वर्दियों में वहां ले जाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस सरकार की एक वर्ष की नाकामियों का जो चिट्ठा है वो जनता के समक्ष रखने जा रही है। एक वर्ष पहले जब इनकी सरकार का गठन होने से पूर्व चुनावों का समय था, इनके प्रत्येक नेता ने क्षेत्रीय नेताओं से लेकर जिला नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेताओं ने चीख चीख कर कहा था कि पहली कैबिनेट में हम 1,00,000 युवाओं को रोजगार देंगे। दिसंबर के महीने से महिलाओं के खाते में 1,500 आएगा,
लोगों से दो रुपए किलो गोबर खरीदा जाएगा, दूध खरीदा जाएगा, 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, मॉडल स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे। परंतु आज परिस्थिति क्या है, एक वर्ष का समय सरकार अपना पूरा कर चुकी है, परंतु ना कहीं महिलाओं को 1500 मिले, ना कोई नए स्कूल खुले, उल्टे जो हमारी सरकार ने पूर्व में स्कूल और कॉलेज और अस्पताल खोले थे उनको बंद करने का कार्य किया। आज प्रदेश की जनता ये जानती है कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में अगर हम बात करें तो गरीब लोगों को इलाज प्राप्त करने में जो असुविधा हो रही है, उनको केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रदेश में पूर्व में जयराम ठाकुर जी की सरकार ने जो हिमकेयर योजना चलाई थी, जो सहारा योजना चलाई थी, जो 125 यूनिट फ्री बिजली दी थी, उन सब योजनाओं का जो गरीबों के हित में ली गई थी, उन सब का गला घोटा जा रहा है। आज परिस्थितियां ये हैं, स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, कहीं कोई स्टाफ नहीं है, सरकारी बसें हर मोड़ पे खड़ी हैं। व्यवस्था परिवर्तन का आलम यह है कि प्रदेश की सड़कों को वर्कशॉप बना दिया है, हर दूसरे मोड़ पे HRTC की बस खड़ी हुई मिलती है। तो आखिर ये प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, ये जश्न किस बात का, जश्न किस बात का? क्या प्रदेश को एक वर्ष में जो आपने 5 वर्ष से अधिक के विकास में जो पीछे ले गए हैं, क्या ये उस बात का जश्न है? और इस जश्न को एक फेलियर करार दिया है हिमाचल की जनता ने। अभी लगभग 12:30 से अधिक का समय हो गया है, अभी भी धर्मशाला के ग्राउंड में लगभग 1000-1500 से आदमी इकट्ठा नहीं हुआ है। आप चाहें तो मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये सरकार झूठ की गारंटियों पे टिकी हुई सरकार, झूठ की बुनियाद पे टिकी हुई सरकार अब ज्यादा दिन की मोहताज नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आप सब लोगों से हमारा ये आग्रह रहेगा कि सरकार का जो विफलता का जो एक वर्ष का कार्यकाल है, इसको प्रत्येक जन जन तक पहुंचाएं। लोगों को हो रही असुविधा, स्कूलों में शिक्षकों के पद खाली हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, रोडों की बहुत बुरी हालत है, विकास कार्यों को रोक लगा दी गई है, केवल एक राग अलापते हैं कि हमने OPS दे दी। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक भी व्यक्ति खड़ा होकर बोले हाँ मुझे OPS मिली है। OPS तो बात की बात है, कुछ दिनों में तनख्वाह के लाले पड़ने वाले हैं। तो ये जो फेलियर हुआ है प्रदेश सरकार का, इस इसको जन जन तक पहुंचाना ये हमारी सबकी जिम्मेवारी है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र में मोदी जी की जो सरकार है, वो उस सरकार ने हमारे चंबा जिले को आकांक्षी जिले का जो दर्जा दिया है, जिससे चंबा में ये मेडिकल कॉलेज का रास्ता प्रशस्त हुआ, चंबा में अनेकों जो योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको भी घोटने का प्रयास किया जा रहा है। एक वर्ष में चंबा में कितने सरकार के मंत्री, कितनी बार मुख्यमंत्री चंबा में आए, क्या मिला चंबा को, चंबा को क्या दिया? जो उद्घाटन जो शिलान्यास किए जा रहे हैं, वो केवल और केवल पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो योजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया था, उनके उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे। एक वर्ष के भीतर कितने शिलान्यास चंबा में, मुख्य मिंजर मेले के दौरान प्रदेश सरकार के प्रत्येक मंत्री मिंजर में आते रहे, परंतु चंबा को क्या मिला? जिस तरह चंबा में मिंजर मेले में मिंजर बहाकर जो उत्सव मनाया जाता है, उसी तरह इस सरकार ने चंबा जिले की उम्मीदों को भी पानी में बहा दिया है। और चंबा जिले के लोगों को संगठित होना होगा और इस जन विरोधी, भ्रष्टाचारी, युवा विरोधी और महिला विरोधी सरकार के खिलाफ जो अपना आंदोलन और उग्र करना होगा। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। युवा विरोधी सरकार को, महिला विरोधी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को, जय श्री राम। मटियाल के विधायक श्री बिक्रम सिंह जरियाल जी से मंच पे आए, पूछ कर लिया प्यारे से भी दोनों हाथ खड़ा करके,
जिस भाई के दोनों हाथ ठीक है दोनों खड़े करके, जिसका एक ही हाथ है वो एक ही खड़ा करे। तैयार है सभी? भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको और इस मंच के माध्यम से आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं सभी को बधाई देना चाहता हूं, जो अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, जो पूर्ण बहुत बहुमत मिला है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सभी बातें मेरे छोटे भाई जनक जी कवर कर दी है। मंच पे विराजमान हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मेरे छोटे भाई त्रिलोकपुर जी, उपाध्यक्ष एमएलए चुनाव मेरे छोटे भाई हंसराज जी, आप यहाँ पर आए इतनी संख्या में आपको बहुत बहुत बधाई। ज्यादा नहीं बोलूंगा, यहां से आज हमने ये प्रण लेके जाना है कि जिला चंबा से एमपी चाहे कोई भी हो, एक्स वाई जेड आप वैसे कोई भी हो, सबसे ज्यादा लीड हिमाचल में जिला चंबा से जाना चाहिए। और मैं आपको फायदे से बोलता हूँ, जितने भी हमारे नेता बैठे इधर, पिछली बार भी विधानसभा क्षेत्र बटियाल से हिमाचल में नहीं पूरे भारतवर्ष में 70% वोट जो है बीजेपी को, जो हमारा एमपी था चंबा गांगड़ा उसको पड़ा है, टॉप पे रही है वोट परसेंटेज। सभी ने प्रण करना आज कि हमने फिर से आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बना, तभी हमारा कल्याण हो सकता। आप देख रहे हैं मैं बताने की जरूरत नहीं कांग्रेस सरकार क्या कर रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ अपने विधानसभा कृषि जी के, यहाँ पर जो शीतकालीन सत्र होगा यहाँ पर हमारे विधायक बैठे हैं मेरे छोटे भाई। एक बार भरमौर में पूर्व में हमारे जो पंडित तुलसीराम जी स्वर्गीय तुलसीराम जी ने जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो कहीं उद्घाटन कर रहे थे, कांग्रेस की कुछ लोगों ने विधानसभा क्वेश्चन उठाया और उस उद्घाटन को रोक दिया था। मैं क्यों बताना चाहता हूँ, एक अध्यक्ष जो होता है वो नॉन पॉलिटिकल पार्टी से होता है, जितने भी दल होते हैं उन सभी का अध्यक्ष होता है, वो भूमि पूजन और उद्घाटन नहीं कर सकता। यहाँ पर त्रिलोकपुर जी बैठे हैं, मैंने चिट्ठी भी लिखी थी, नितिन गडकरी को भी लिखी थी, प्रदेश अध्यक्ष को भी लिखी थी कि 53 करोड़ रुपया शिवता से लाडू तक डबल लाइन के आया है, उसका उद्घाटन एक यदि भूमि पूजन एक अध्यक्ष कर रहा है कांग्रेस पार्टी। थोड़ा सा आवाज उठाओ, पूछो, क्वेश्चन लगाओ कि अध्यक्ष जो है वो भूमि पूजन अध्यक्ष कर उद्घाटन कर सकता नहीं कर सकता एज पर रूल। तो भाई जी बैठे इनको बता रहा हूँ, बाकी महिलाएं इधर है सभी को पता, मेरा महिलाओं से थोड़ा अनुरोध है अपने अपने क्षेत्र में हर एक महिला को जागरूक करो, कईयों के फॉर्म भरे हैं उनसे पूछो कि आया कुछ। अब जनकी जी कह रहे थे हॉस्पिटल खाली है, डिपार्टमेंट में कोई इम्प्लाइज नहीं है, होना कहाँ से है, जो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए थे उनको भी उन्होंने निकाल दिया है। आज सभी डिपार्टमेंट में पूछता हूँ भाई फलानी जगह फलाना काम बोलते हैं, हमारे पास मेन पावर नहीं। और आने वाले समय में एक बात दारो बताना तो भविष्यवाणी करना चाहता हूँ अपने हेडक्वार्टर से, काफी कांग्रेस के नेता जो है 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने वाला है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। कई विधायक हमारे साथ रहे हैं, वो फोन करते हैं, संपर्क में है, क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन लोटस का भी लागू करें आप लोग, तो चिंता ना करो, नरेंद्र मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। ज्यादा ना बोलता हुआ फिर आप लोग से सभी से निवेदन करता हूं, मैं भी इस बार पूरे हिमाचल में फिर से एमपी कोई भी होगा सबसे ज्यादा लीड जो है विधानसभा क्षेत्र बटियाल से दिलाऊंगा, मैं आपसे वायदा करके जा रहा हूं। यहां पर आप सभी ये प्रण करके जाओ आज अपने अपने विधान क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा लीड जो है एमपी चाहे कोई भी हो हमारा उसको जाना चाहिए, ताकि केंद्र में सरकार हमारी बन सके, हमारा जो प्रदेश है देश है वो ऊंचाइयों को छू सके,
इसके साथ ही ज्यादा ना बोलता हुआ भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम मंचा सीन हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और उपस्थित जिला चंबा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे ढलौजी विधानसभा से क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ता, बठियात से आए हुए कार्यकर्ता, चुरा से आए हुए कार्यकर्ता, जिला चंबा से, ब्रह्मौर से, मैं सभी का जिस मन से आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी संख्या में यहां आए और आज कांग्रेस की नाकामियों जो 10 गारंटियाँ पूरी नहीं हुई, आज भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर उतरना पड़ा। साथियों, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने झूठे वादे किए थे कि हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, दूध 100 रुपये लीटर लेंगे और गोबर 2 रुपये किलो के हिसाब से लेंगे और युवाओं को 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, पर एक साल में एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सड़कों में आज जिला चंबा में उतना पड़ा और इस प्रदेश की सरकार की नाकामियां जो है जन जन तक पहुंचाने का हमने आज संकल्प लिया है। गारंटियां वो होती हैं जो भारत संकल्प यात्रा जो आप देख रहे हैं हर विधानसभा में मोदी जी की गारंटियां लेके चली हुई है, वो होती है गारंटियां। उन्होंने महिलाओं को उज्ज्वला योजना दी, आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख का बीमा मिला हमें गरीबों को और किसानों की आय दुगनी कैसे हो, हर किसान के खाते में साल के 6-6 हज़ार रुपये खाते में पड़ रहे हैं और भारत अपना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिला चंबा में पूरा जाल बिछा, जल जीवन के तहत हर बहन को नल और नल में जल दिए, ये होती है गारंटियाँ मोदी सरकार की, ये गारंटियाँ हैं। तो साथियों, प्रदेश सरकार की 10 की 10 गारंटियाँ फेल हो चुकी है, ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। अब जो मोदी जी की भारत संकल्प यात्रा जो हमारे हर विधानसभा में 2-2 गाड़ियाँ जो हैं रथ चले हुए हैं, वो केंद्र सरकार की योजना जो है जन जन तक हम लोग सभी पहुँचाएंगे। आप लोग आज यहाँ इतनी भारी संख्या में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। कला बहुत ही खराब है आज, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय राजनीति में जिन्होंने हिमाचल का गौरव बढ़ाया, जिनकी वजह से सच्चाई में हिमाचल में कई बार जगत प्रकाश नड्डा जी से भी बात होती है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का सौभाग्य मिलता है, ऐसे हमारे गुरुतुल्य भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भाई त्रिलोक कपूर जी विशेष तौर से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में हैं, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे बड़े भाई, हमने जिला परिषद से शुरुआत की थी, हालांकि मेरे से बहुत ज्येष्ठ हैं और इन्होंने 2 बार जिला परिषद तब तक जीत चुके थे, ऐसे विक्रम जरियाल जी हमारे साथ हैं। मुझे पहली बार जिन्होंने चुनाव लड़वाया था, माननीय DS ठाकुर जी 2 बार जिला के अध्यक्ष रहे, यहाँ पर हैं। ऐसे ही लोगों की खोपड़ियाँ खोलने वाले बेस्ट न्यूरोसर्जन और अब कांग्रेस की खोपड़ी खोलने को रह गई है, ऐसे हमारे भाई डॉक्टर जनकराज जी साथ हैं। हमारे युवा और तेज तरार जिला अध्यक्ष भाई यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, भाई जयसिंह जी जो हमारे अधिवक्ता हैं और पूर्व में विभिन्न पदों पर रहे, बड़े भाई हमारे जयसिंह जी यहीं पे हैं। सभी वरिष्ठ लोग यहाँ पर आप मौजूद हैं, विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के अध्यक्ष, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको जो है वो आशीष देते हैं हम सब लोग कि एक साल में ये पहली सरकार है, एक साल में कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है, एक साल में हमने कभी नहीं देखा है कि किसी पार्टी या किसी सरकार के अगेंस्ट जो है वो रोष पैदा हुआ हो, कभी देखा है किसी ने? ये पहली सरकार है जहां पर जो है वो आम जन को, आपने देखा होगा आउटसोर्स के लगभग 11,000 लोगों को निकाल दिया जिन्होंने कोविड में आपका सहयोग किया था, हमारा सहयोग किया था, वो माताएं, बहनें, नौजवान लोग जिन्होंने अपनी जान की जान को भी जो है वो उसमें रख करके आपके लिए हॉस्पिटल्स में आपके लिए जो है वो अलग अलग जगह पर अपनी सेवाएं देते रहे, उनके साथ अन्याय हुआ, ये कोई हंसी मजाक का टाइम नहीं है, मैं सच्चाई कह रहा हूँ, हमारा तो खून खौलता है कि उन लोगों के साथ बेईमानी की गई है,
जिन लोगों ने आपको उस महामारी से बाहर निकाला था, जिन्होंने आपको उस टाइम बचाया था। माँ बाप को बेटे भी नहीं छूते थे, बेटियां भी नहीं छूती थी। ऐसी सरकार चलनी चाहिए क्या प्रदेश में? नहीं। आप अपने आप से पूछिए, ऐसे कोई चौराहे पे कोई कभी खड़ा हुआ है? अपने आप से पूछिए। और जिस तरह से इन्होंने ठगा था पूरे हिमाचल प्रदेश को, मैं तो यहाँ पर चंबा के कोने कोने को धन्यवाद करता हूँ। ये तो थोड़ी सी चूक हो गई हमसे दो सीटों पे, नहीं तो हम तो 100% हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी चंबा जो है वो 100% हो जाती। हमने थोड़ी सी चूक कुछ हमसे हुई है, नहीं तो चंबा के लोग आसानी से ठगे नहीं जाते। 3-3 सीटें आपने अभी दी हैं, 4 उससे पहले दी थी, 3 उससे पहले दी थी, 12 में 3, 17 में 4 और अभी 22 में 3। मतलब हम लोग बाकी हिमाचल से बहुत फास्ट लोग हैं, एस्पिरेशनल जरूर हैं, लेकिन हम मूल भावनाओं को समझते हैं। हमें विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी की उन नीतियों पर जो अंत्योदय की भावना से काम कर रही हैं। देखो, मेरा आपसे ये आग्रह है, कोई भाषण देने के लिए हम लोग नहीं आए हुए, लेकिन ये जो रोष है ये सच्चाई में गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए, ये हर उस घर तक पहुंचना चाहिए। जिस तरह से आजकल आपने देखा होगा आपकी कंस्टिट्यूएंसियों में भी, आपके विधानसभा क्षेत्रों में भी एक कोई गाड़ी चली है, कौन सी गाड़ी चली है, क्या गाड़ी चली है? ले जाओ उसको हर गांव तक, ले जाओ हर व्यक्ति तक। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास दिए, किस तरह से आपको जो है वो ये आपकी सड़कें हमारी सबकी खुली हुई हैं, मतलब हर जगह हर तरह का विकास हुआ। और मेडिकल कॉलेज की भाई विक्रम जरियाल जी कह रहे थे, कभी किसी ने नहीं सोचा था। मैं तो यहाँ के कांग्रेस के नेताओं को यह कहना चाहता हूँ कि हमने तो पिछले 5 साल वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से और माननीय हमारी सरकार के आशीर्वाद से 246 सड़कें तो वहां बनी जहां पर जाना बड़ा मुश्किल होता था, सच्चाई में बनी है। और आज देखिए, 1 साल हो गया, 1 साल, कोई चंबा जिला में बोल के बताए कि यह उद्घाटन नया हुआ, यह शिलान्यास नया हुआ, कोई ऐसी इबारत लिखी गई है क्या? अगर आज भी हमारे लोग नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? अभी वो गया हुआ वक्त तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन 4 महीने बाद फिर परीक्षा होगी हम चंबियाड़ों की, इंदी भूणी फिर परीक्षा। पर सच्चाई अंदर आज तुसी सारे ने जोर लाना पौना, लाना कि नहीं लाना जोर, फीलिंग तो दियो, लाना कि नहीं लाना जोर। मेरा इधर जो सेल्फी में मस्त है लोग, उनसे भी निवेदन है कि देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं आपको सच में बधाई देता हूं। जब प्रदेश अध्यक्ष जी ने और प्रदेश के महामंत्री जी ने ड्यूटी लगाई कि आप संयोजक के नाते जो है वो जिला चंबा में रैली निकालेंगे, और मुख्य वक्ता के रूप में माननीय इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप स्वयं आए और आकर के हमारा मार्गदर्शन करें, हमें किस तरह से आगे बढ़ना है ये सब बताएं आप। और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने नेताओं को, विशेष करके हमारे विधायकों को, पूर्व विधायकों को, और जिला के सम्माननीय अध्यक्ष को, और इसकी इनकी सारी टीम को, सभी मोर्चे के लोगों को, कि आप एक एक व्यक्ति जो है वो आज चंबा के यहाँ बाजार में पहुंचा है। और जो कुशासन कुनीति जो ये इस तरह की सरकार कांग्रेस की चली है, उसके विरोध में हम लोग रोष प्रदर्शन निकाल रहे हैं। मुझे बधाई आपको इसलिए भी देनी है कि हम एक आवाज में खड़े हो रहे हैं। 4 महीने बाद वो वक्त आएगा जब हम 5 के 5 विधानसभा क्षेत्र फिर से पूर्ण बहुमत के साथ जो है वो जिता करके माननीय प्रधानमंत्री जी की झोली में डालेंगे। लोगों ने कहा इनकी ये गारंटी भी नहीं चली, वो भी नहीं चली, कांग्रेस की अब कोई गारंटी चलनी ही नहीं है। पूरे देश में नजर दौड़ाओ आप, सुपड़ा साफ हो गया। मैं चुनाव में भाषण देता था कि कांग्रेस मुक्त चुरा, लेकिन अब कहता हूं कांग्रेस मुक्त भारत हो करके रहेगा, यह इस मंच से मैं कहता हूं, यह सच्चाई है। और आने वाला समय हमारा और आपका है, आम जन का समय है, आम जन का, आम व्यक्ति का समय है। इसीलिए गारंटी सिर्फ अब एक चलती है, गारंटी किसकी चलती है? गारंटी किसकी चलती है? जोर से कहेंगे सब लोग, गारंटी किसकी चलती है? देश में गारंटी सिर्फ एक,
और वो गारंटी है नरेंद्र मोदी की गारंटी। मोदी जी को जय श्री राम। तुम्हारे मुंह दुखोरा पिचोरिया देश की संस्कृति को, इस देश की अस्मिता को वहां पहुंचाया है जहां कभी कोई हिंदुस्तानी सोच नहीं सकता था। आजाद हिंदुस्तान में अगर कोई प्रखर, अगर कोई जबरदस्त अगर प्रधानमंत्री हुआ है तो वो सिर्फ बिरला व्यक्ति जो है वो कौन हुआ है, कौन हुआ है, सिर्फ मोदी साहब। इसीलिए मोदी जी का नारा भी उस तरीके से लगना चाहिए, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अब मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में प्रदेश के महामंत्री श्री त्रिलोक कपूर जी आए हैं जो इस सभा की हमारे मुख्य वक्ता हैं। हिमाचल प्रदेश में आक्रोश दिवस के रूप में मनाएगी और उसी आज आक्रोश दिवस के अवसर पर चंबा जिला के मुख्यालय में यहां पर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक और लगातार चुरा विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा की हैट्रिक बनाने वाले मेरे छोटे भाई श्री हंसराज जी, बटियात जैसे दुर्गम क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले, लगातार दो बार वहां विधायक के रूप में सेवा करने वाले ऐसे हमारे जोशीले पार्टी के नेता बड़े भाई श्रीमान विक्रम सिंह जरियाल जी, हमारे पास में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के लगातार संगठन में काम करने वाले दो बार जिला के अध्यक्ष और इस बार पार्टी के वहां से प्रत्याशी और विधायक चुनकर आने वाले ऐसे रिकॉर्ड मार्जिन के साथ हिमाचल की विधानसभा में दस्तक देने वाले आदरणीय श्रीमान जी डीएस ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र ऐसे भरमौर विधानसभा से एक जिसको कह सकते हैं अपने काम के दम पर पहचान बनाने वाले, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले ऐसे हमारे समाज सेवी माननीय विधायक छोटे भाई डॉक्टर जनक जी, हमारी पार्टी के युवा और जोशीले पर जिला के अध्यक्ष छोटे भाई धीरज जी, महामंत्री श्री बरिंदर जी और सुभाष जी, मेरी पार्टी के प्रदेश के नेता श्रीमान जय सिंह जी, पूर्व में रहे यहाँ के हमारे जिला के अध्यक्ष डाकपाल जी, मेरी पार्टी के सभी मंडलों के सामान्य अध्यक्ष, प्रदेश के मोर्चा प्रकोष्ठ और पार्टी में विभिन्न दायित्व में काम करने वाले ऐसे सभी मेरे भाई और बहन, पंचायती राज के सभी प्रधान, पूर्व में रहे प्रधान, ब्लॉक समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर, जिला परिषद की चेयरमैन, ऐसे सभी आज यहाँ उपस्थित देवी देवता समान मेरे भाई और बहनों, पूर्व वक्ता ने आज के कार्यक्रम को लेकर अपनी अलग अलग बात रखने का प्रयास किया है, लेकिन पार्टी की ओर से मुझे चंबा में आने का निमंत्रण था और जो मैं चंबा के लोगों में इस कांग्रेस पार्टी को आक्रोश को यहाँ नजदीक से देख रहा हूँ, आज मैं इसकी भविष्यवाणी करके जाने वाला हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की अब लंबी आयु नहीं रहने वाली है, ये मैं आज ऐलान का हिसाब कहना चाहता हूँ। चंबा के भाई और बहनों, ठीक एक वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास की दिशा में काम कर रही थी, जहां हिमाचल प्रदेश में उसमें मुख्यमंत्री जयराम जी थे और केंद्र की सरकार के मुखिया श्री नरेंद्र मोदी जी थे। मुझे याद है कि इसी चौगान में उस कार्यक्रम का मैं संयोजक था, इसी चौगान में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश का प्रधानमंत्री यहां आया था और जिस प्रकार से चंबा के विकास की चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की थी वो गौरवमयी पल, कभी हम उसको भूल नहीं सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जब कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई रोक नहीं सकता है तो छत्तीसगढ़ के एक ऐसे नेता को हिमाचल का प्रभारी बनाकर भेजा और उस नेता का नाम था भूपेश बघेल। भूपेश बघेल को हिमाचल भेजा और जब उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लोगों से चर्चा की कि जो मैं हिमाचल को अब तक समझ पाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, अगर इसको रोकना है तो एक काम किया जा सकता है कि जिस प्रकार से मैंने छत्तीसगढ़ में झूठी गारंटियां वहां की जनता को दी है उस तरह हिमाचल में भी झूठी गारंटियों का जाल बुनना चाहिए। और मुझे याद है कि इसी धरती के सपूत लंबे समय से राजनीति का
जिसको कहते हैं अनुभव प्राप्त करने वाले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य श्री हर समाज में उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे। कांगड़ा से पवन काजल कार्यकारी पार्टी के अध्यक्ष थे, वो भी उस मीटिंग में बैठे थे। भूपेश बघेल जी ने कहा कि अगर सत्ता में आना है तो हर महिला को 1500 रुपए देने का वायदा कर दो, अगर सत्ता में आना है तो 5 लाख लोगों युवाओं को रोजगारी देने का वायदा करो। जब सारी बात हुई तो दोनों नेताओं ने कहा कि बघेल जी पहले यह बताओ उसके लिए बजट कितना लगेगा। बोलते बजट जितना भी लगे अगर आपने ये गारंटियां नहीं दी तो हिमाचल में कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं आएगी। और दोनों नेताओं ने कांग्रेस को ठुकराकर भारतीय जनता पार्टी में आकर शरण ली कि हम दोबारा कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसे नहीं खड़े हो सकते हैं। और मित्रों, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम हर बहन को 1500 रुपए देंगे, जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम हर नौजवान को नौकरी देंगे, तो सबको ये लगा ये तो सरकार बहुत बढ़िया है। और उस छल के कारण, उस धोखे के कारण, उस फ्रॉड के कारण थोड़ी सी हिमाचल की जनता से चूक हो गई। दुर्भाग्यवश पूरे हिमाचल प्रदेश के अगर हम उस संख्या देखी जाए तो 36,000 वोटों से हिमाचल पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। इस प्रकार का छल करने वाला कौन था? कौन था? भूपेश बघेल। और भूपेश बघेल का जो हश्र हुआ है, अभी चुनाव परिणाम जो आया है, ग्रंथियों के सौदागर को वही दफन कर दिया है। वही जो है कि जनता ने सरकार को लात मार के बाहर निकाल दिया है कि ऐसी झूठी सरकार हमें नहीं चाहिए। इस प्रकार की गारंटी राजस्थान में भी दी गई थी, राजस्थान की सरकार को भी लोगों ने ठुकरा दिया है। और उसके साथ एक चुनाव मध्य प्रदेश में भी हो रहा था, 4 साल 4 टर्म से वो सरकार काम कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज की सरकार ने झूठी गारंटियां नहीं दी थी। जो कहा था उसको पूरा किया और 5वीं बार मध्य प्रदेश में मोदी जी के आशीर्वाद से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये है गारंटी, उसको गारंटियों की सरकार कहते हैं। लेकिन भाई और बहनों, आज धर्मशाला में जश्न हो रहा है, और जश्न कौन कर रही है? प्रदेश की ठग पार्टी, प्रदेश की ठग सरकार कांग्रेस पार्टी। और डॉक्टर जंग जी जो कह रहे थे वो ठग, जश्न में कितने लोग हैं, बच्चों को पकड़ पकड़ के वहां पहुंचाया जा रहा था। और जश्न किस बात का मनाया जा रहा है कि हिमाचल की 22 लाख बहनों को छला है, ठगा है, उसकी खुशी में धर्मशाला में जश्न मनाया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा था कि हिमाचल में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो जो हिमाचल में 67,000 पद खाली है, 63,000 पद की और व्यवस्था करेंगे, 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में इसकी स्वीकृति देंगे। आज हिमाचल प्रदेश में 1 लाख नौकरी तो दूर की बात, जो मेरे मित्रों ने कहा है यहाँ पर कि किस प्रकार की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसे स्वास्थ्य कर्मी रात दिन काम कर रहे थे, उनको भी छुट्टी कर दी। और उस खुशी में आज धर्मशाला में कांग्रेस की पार्टी जश्न मना रही है। यह बहुत बड़ा अपमान है हिमाचल प्रदेश के भाई और बहनों। इस प्रकार की अनुभवहीन सरकार, इस प्रकार की ठग सरकार आज किसी भी मोर्चे में देख लो, लगता नहीं कि हिमाचल में भी कोई सरकार काम कर रही है। मुझे याद है कि जो हमारे उस दौरान जो काम हुए थे डेवलपमेंट के, आज उनके जो उद्घाटन और जो शिलान्यास अभी तक जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। शिलान्यास तो हम कर गए थे, उद्घाटन कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है। इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना वाली सरकार हिमाचल प्रदेश में ज्यादा समय रहने वाली नहीं है। भ्रष्टाचार की बात करने वाली ये कांग्रेस पार्टी, आज राहुल गांधी जुबान से बिल्कुल खामोश हो गए। राहुल गांधी एक नारा लगाते थे कि चौकीदार चोर है, और उनके साथ जो नारा लगाता था उड़ीसा का धीर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि मोदी चोर है। आज कांग्रेस पार्टी वालों ये बताओ कि जो 500 करोड़ रुपए एक कांग्रेस के घर में मिला है वो किसका पैसा है? वो हिमाचल के गरीब लोगों का पैसा है, राजस्थान के गरीब लोगों का पैसा है। जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां से लोकसभा चुनाव को पैसा इकट्ठा किया जा रहा था। कर्नाटक में अड्डा बनाया गया था, उड़ीसा में अड्डा बनाया गया था, बेंगलोर में अड्डा बनाया गया था। 5000 करोड़
इकट्ठा करने का टारगेट दिया था कि मध्य प्रदेश भी हम जीतेंगे, राजस्थान भी हम जीतेंगे, छत्तीसगढ़ भी हम जीतेंगे। सबको टारगेट दिया था कि 26 जनवरी तक 5000 इकट्ठा हो जाना चाहिए, तभी हम 2400 घमंडिया जो गठबंधन है उनका मुकाबला कर पाएंगे। इस प्रकार से इनकी योजना थी एक एक लोकसभा में 20-20 करोड़ रुपए खर्च करके ताकि मोदी से टकरा सके। लेकिन भाई और बहनों, आज कांग्रेस की पोल खुल गई है, यह बताना पड़ेगा वो 500 करोड़ रुपए पैसा किस गरीब भाई और बहन का है। ये गारंटियां देने वाले आज क्यों खामोश हो गए? और भारतीय जनता पार्टी इनकी एक एक कमजोरी को आने वाले समय में सड़क पर लेकर जाएगी और कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा कि वो पैसा किसका था, वो पैसा कहां से लाया गया, किस प्रदेश से कितना गया, हिमाचल के हिस्से में कितना था, कौन वो पंजाने वाला था। एक एक खुलासा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो काम भी ईडी और सीबीआई को करना पड़ेगा। अगर तुम सच नहीं बोलेंगे तो फिर ईडी और सीबीआई को जो है यह काम देना पड़ेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है आज पूरे देश और दुनिया में बेनकाब हुआ है। भाई और बहनों, आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये आज टेंडर में दलाली खाई जा रही है, आज तबादले में पैसे लिए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री का कार्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गए। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में एक ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की वीडियो वायरल हुई, आज तक कांग्रेस जांच करके प्रदेश की जनता को नहीं बता पाई है कि वो कौन अधिकारी जिन्होंने करोड़ों रुपए का लेन देन किया है। और ये भ्रष्टाचार पर बात करती है, आज हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की बात देखिए और कांग्रेस जश्न मना रही है। हमारे चंबा के हत्याकांड से लेकर सिरमौर तक एक नहीं अनेकों ऐसे घटना घटी है। हमारी बहनों को बाल काट कर सारे आम काला मुंह करके नचाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है। यह सरकार हिमाचल प्रदेश की यह जश्न मना रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने भूमि का और क्या हो सकता है। इनको कोई पूछने वाला है क्या? आज 67 से ज्यादा जो है मर्डर हो गए एक साल के अंदर। हिमाचल प्रदेश को नशे का प्रदेश बनाया गया। हिमाचल प्रदेश की जो पहचान थी एक टूरिस्ट राज्य के रूप में होती थी, आज हिमाचल प्रदेश को लोग नशेड़ी राज्य के रूप में बोलने लगे हैं। इसका गुनाहगार कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलकर सत्ता में आई है। इसलिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अगुवाई में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर इस प्रकार के आक्रोश प्रदर्शन चल रहे हैं। 12 तारीख को मंडी में होगा, 18 को कांगड़ा में होगा। लेकिन मेरा सभी चंबा के भाई और बहनों आपसे निवेदन है कि आने वाला समय ये ललकारने का है। लोकसभा के चुनाव के लिए मात्र कुछ महीने बचे हैं। चंबा का मेरा एक एक भाई एक एक बहन जिस नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में बैठकर चंबा की चिंता की है, और चंबा के भाई और बहनों आपको भी सूद के साथ मोदी जी के कर्ज चुकाने का मौका 2-3 महीने के बाद आने वाला है। मैं ज्यादा न कहता हुआ एक बार पुनः यात्रा के आक्रोश के संयोजक श्रीमान हंसराज जी, अपने जिला के अध्यक्ष श्री धीरज जी, उनकी पूरी टीम को और अपने संगठन के सभी भाई और बहनों का और हमारे जो पार्टी का नेतृत्व यहाँ बैठा है, आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने एक शानदार कार्यक्रम आक्रोश रैली के रूप में यहाँ पर आयोजित किया। निश्चित तौर पर आज चंबा के हर घर घर में चर्चा होगी कि जनता सड़क पर उतर आई है और कांग्रेस सरकार को अब ज्यादा समय हिमाचल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो मेरे भाई विक्रम जरियाल ने संकेत दिया है, ये पक्का संकेत है। ये कितने दिन अब सरकार चलेगी, इसकी आयु कितनी है, ये वेंटिलेटर पर आ गई है, कभी भी सरकार की मृत्यु हो सकती है। और आने वाला समय ये नेतृत्व यहाँ बैठा है, यही चंबा को यहाँ पर मार्गदर्शन देगा और चंबा के विकास को आगे बढ़ाएगा। आप सभी आए, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। पंचायती राज से आए, हमारे संगठन से आए, हमारे दूर दराज से आए, मुझे पता है कि ये कितना दुर्गम क्षेत्र है, कब आप चले होंगे और कैसे यहाँ पहुंचे होंगे, कई परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा। लेकिन 3 महीने आपको रात को भी आना पड़ेगा, आपको दिन को भी आना पड़ेगा, आपको भूखे भी रहना पड़ेगा, आपको प्यासा भी रहना पड़ेगा। अगर आप नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं ज्यादा कहता हुआ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मोदी जी
लुटेरों की सरकार को, बेईमानों की सरकार को, हरिद्वार को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं आग्रह करूंगा पार्टी मंडल अध्यक्ष से कि वो यहाँ पे वक्ता एवं प्रदेश के महामंत्री वरिष्ठ यात्रा के संयोजक श्री त्रिलोक कपूर जी, डॉक्टर हंसराज जी जो तीन बार हमारे विधायक रह चुके हैं और इस यात्रा के संयोजक हैं, इस प्रदर्शन के संयोजक हैं भाई विक्रम जरियाल जी, डी एस ठाकुर जी, डॉक्टर जनक राज जी एवं मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं हाथ जोड़ के आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भविष्य में भी ये कामना करता हूँ कि जब भी पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से आपको बुलाया जाए, आप जितनी जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके, एकत्रित होकर के हर कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूँ और आशा करता हूँ भविष्य में आप सभी का हमें सहयोग मिलता रहेगा। भारत माता की, भारत। जहाँ कांग्रेस पार्टी अपना एक वर्ष की बरसी धर्मशाला में मना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एक वर्ष के कार्यकाल को असफल जो है वो करार दे रही है। इस एक वर्ष के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, व्यापक भ्रष्टाचार, आत्महत्याएं, इस प्रकार के जो प्राकृतिक आपदा से जो प्रभावित है उनके साथ धोखा, कानून व्यवस्था, इन सारे मोर्चे पर जो है कांग्रेस पूरी तरह विफल हुई है। और इस आक्रोश को लेकर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हर जिला मुख्यालय में जो है वो प्रदर्शन कर रही है। मित्रों, हिमाचल प्रदेश का ये दुर्भाग्य है कि जो हिमाचल प्रदेश की जिस गति के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा कर रही थी, उस सरकार को दोबारा सत्ता आने से एक छल, एक धोखा देकर रोकने का प्रयास हुआ है। और आज उससे पूरा हिमाचल प्रदेश, जो हमारा कुशाल हिमाचल प्रदेश था, उस पे विकास के पहिए को भी जाम किया है और हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह ध्वस्त करके रख दिया है। इस आक्रोश को लेकर आज चंबा में ये जिला का प्रदर्शन था। इस यात्रा के हमारे संयोजक श्री हंसराज जी थे इस प्रदर्शन के, और हमारी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री विक्रम जरियाल जी, हमारे बरमौर के विधायक श्री जनक जी, हमारे दलौ जी के विधायक श्रीमान डी एस ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष, ऐसे हमारे पार्टी के सारे प्रमुख लोग आज इस आक्रोश रैली को लीड कर रहे थे। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से एक साल के अंदर जनता का आक्रोश कांग्रेस के पार्टी के विरुद्ध जो सड़कों पर हम देख रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो वेंटिलेटर पर है, अब इसका ज़्यादा टिकना हिमाचल में बिल्कुल अनिश्चित है। ये मैं आज कहना चाहूँगा। रणवीर भाई, युवा मोर्चा, हेलो युवा मोर्चा, ले पकड़ो, जाना भी है। मैं सुन, इतनी परेशानी ना।